वहाँ पर पहुँच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी गर्व और गौरव का दिन है। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। वे 50वें व्यक्ति होंगे जिन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। हम लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनके जीवन के कुछ मुख्य पड़ावों के बारे में। 63 साल की उम्र में गुजरात से अयोध्या तक की यात्रा निकालने वाले आडवाणी जी ने हिंदू समाज को राम मंदिर के प्रति जोड़ने का काम किया। इसी का कमाल था कि 1884 में महज 2 सीटें जीतने वाली भाजपा को 1991 में 120 सीटें मिली। अटल जी के बाद आडवाणी जी भाजपा के दूसरे नेता हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इससे पहले जनसंघ के नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 में ये सर्वोच्च सम्मान मिला था। लाल कृष्ण आडवाणी ये सम्मान पाने वाले 32वें राजनेता हैं। 12 दिन पहले ही बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। 8 नवंबर सन 1927 को कराची में जन्मे आडवाणी जी 1942 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। आज़ादी के बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया। यहाँ वे पहले जनसंघ पार्टी से जुड़े थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वे अहम भूमिकाएं निभाते रहे। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में वे शामिल थे। 1989 में वे पहली बार भारत के गृह मंत्री बने। 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में वे गृह मंत्री रहे। 2002 से लेकर 2004 के बीच अटल सरकार में वे उप प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में आडवाणी देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत हो चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी राम रथ यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। अगर आपको राम जन्मभूमि आंदोलन से आडवाणी जी के संबंध को जानना है तो आपके लिए वीडियो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें हमने आडवाणी जी और अयोध्या से संबंधित एक किस्सा उसमें शामिल किया है।